हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनली अपनी देसी कार महिंद्रा XUV 300 के बारे में। महिंद्रा XUV 300 का एक न्यू वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। वेरिएंट इन द सेंस एक नया ट्रिम। जी हाँ, बेस मॉडल पहले हुआ करता था W4 नाम से, अब यहाँ पर कंपनी ने एक और बेस वेरिएंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका नाम है W2। जो W4 वेरिएंट आता था ना, उसकी प्राइस स्टार्ट होती थी एक शोरूम 8,65,000 रुपीज़ से। अब यहाँ पर जो W2 वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है ना, तो इसकी प्राइस कंपनी ने रखी है 7,99,000 रुपीज़ ओनली। अब यहाँ पर कंपनी ने ये बेस मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस किया, कंपनी को क्या ज़रूरत आन पड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है ना, मिड साइज़ SUV का ट्रेंड आ चुका है। मिड साइज़ SUV में ना बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों को ला रहे हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अब क्या है ना, महिंद्रा की XUV 300 ना 8,65,000 की बेस प्राइस से स्टार्ट होती है, और जो अदर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसी सेम कैटेगरी की गाड़ी को दे रहे हैं 6 लाख से 8 लाख के बीच में, उनके बेस मॉडल इतने में ही आते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, महिंद्रा वो कंपटीशन राइवल्स है ना कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या किया, XUV 300 का एक बेस मॉडल निकाल दिया W2 नाम से, और W2 की प्राइस है मात्र 7,99,000 रुपये, ओनली 7,99,000 रुपीज़। बट हाँ देखो, ये तो है, W4 में भी पहले ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ नॉर्मली ना आपको आगे से एक बेसिक लुक मिलता है, हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, ना ही DRL ना ही फॉग लैम्प मिलते हैं, और बेसिक लुकिंग के साथ में ही आती है बेस मॉडल हमेशा कार। तो वैसा ही W2 में भी होने वाला है, हालांकि W4 से और कम फीचर्स कंपनी कर देगी W2 में, बट वही कंपटीशन के लिए कंपनी ने ये किया है, W2 मॉडल को कंपनी ने लॉन्च किया है। तो वही चीज़ है, और वेरिएंट के अंदर आपको इतना कुछ खास तो मिलेगा नहीं गाड़ी के अंदर फीचर्स के नाम पे। हाँ ये है, इंजन की बात करें तो 8 लाख के अंदर आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है 1.2 लीटर का। तो यहाँ पे हैट्स ऑफ मैं करूँगा महिंद्रा को कि उन्होंने एक टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पंची इंजन रहेगा और काफ़ी अच्छी पावर डिलीवर करेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक और अपडेट किया है, इनका जो W4 वेरिएंट आता है उसके अंदर 1.2 लीटर का एम्स्टेलियन TGDI इंजन कंपनी ने दे दिया है। पेट्रोल इंजन है वो, जो काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन है, जो 0 to 60 किलोमीटर पर आवर जस्ट 5 सेकंड में कंप्लीट करता है, और इसके अंदर आपको 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और 96 किलोवाट का पावर देखने को मिलेगा। और हाँ एक और चीज़, W4 अगर कोई ले रहा है तो खुशखबरी आप सभी के लिए, W4 में पहले सनरूफ नहीं आया करती थी, अब उन्होंने सनरूफ भी एड ऑन कर दी है W4 के अंदर। तो अब कोई भी W4 वेरिएंट लेगा तो उसको सनरूफ देखने को मिलेगी उसकी कार के अंदर। तो ये था आज का वीडियो महिंद्रा XUV 300 के वेरिएंट्स जो अपडेट हुए हैं उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते हैं डेली न्यू, तो फॉलो कर लेना वहाँ पर भी। और मैं आपसे मिलूंगा एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।